हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और 26 मई 2023 को रशिया ने इतिहास में पहली बार किसी दूसरी कंट्री में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंस्टॉल किया है। बेलारूसियन प्रेसिडेंट ने यह बात ओपनली कही कि रशियन न्यूक्लियर वेपन्स अब उनके बॉर्डर्स पर डिप्लॉय हो चुके हैं। एंड नाउ दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि इस मूव से यूरोप के दरवाजों पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा आकर खड़ा हो गया। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है फ्रेंड्स कि बेलारूस का प्रेसिडेंट आखिर ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है। तो बात कुछ ऐसी है ना कि वर्चुअली रशिया और बेलारूस एक ही कंट्री है, उन्हें यूनियन स्टेट ऑफ रशिया और बेलारूस भी बुलाया जाता है। और ये एक्सेप्टेंस अगर आपको ना पता हो तो इतने लार्ज स्केल पर है कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी बेलारूस को ओपनली रशिया की टेम्पररीली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही बुलाती है। एंड नाउ हियर कम्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, एक्चुअली मैं इस यूनियन में ज्वाइन होने वाली बेलारूस तो सिर्फ पहली ही कंट्री है। रशिया तो अपने फॉर्मर सोवियत यूनियन को रीकॉन्कर करने की फुल प्रूफ प्लानिंग करके बैठा हुआ है। एक ऑफिशियल ट्रीटी यूनियन ऑफ स्टेट ट्रीटी के तहत, जिसका मेन एजेंडा है यूनिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल यूएसएसआर सोवियत यूनियन। सो ये ना तब की बात है जब रशिया सोशलिस्ट नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट नेशन हुआ करता था। 1991 में बोरिस येल्सिन, रशिया के पहले प्रेसिडेंट, ने इकोनॉमी में कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाए, जिनमें से एक था रशिया में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना। कहीं ना कहीं रशियंस को यह लग रहा था कि उनके गवर्नमेंट का सोशलिज्म से कैपिटलिज्म का शिफ्ट एक गलत डिसीजन था, और इसी वजह से प्रेसिडेंट येल्सिन की पॉपुलैरिटी बुरी तरीके से घटने लग गई। सो अपनी गवर्नमेंट और खुद की इमेज को बचाने के लिए येल्सिन ने लोगों का ध्यान डिविएट करना शुरू कर दिया, और उसने लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए यूनिफिकेशन ऑफ यूएसएसआर का आइडिया फैलाया और उन्हें आश्वासित किया कि इससे सोशलिज्म वापस लौटेगा। अपने इस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए रशिया ने पहला स्टेप उठाया, द यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस का। सो साल 1999 की बात है जब यूनिफिकेशन ऑफ यूएसएसआर के तहत येल्सिन ने बेलारूस के साथ यूनियन स्टेट बनाने की ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज अपने सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस को स्क्रैप करके एक साथ मिल जाएंगे। ये मर्जर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होने वाला था, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, इन एरियाज में काफी हद तक इंटीग्रेशन हो भी चुका था। मगर सिर्फ इन लिस्टेड एरियाज में कंप्लीट मर्जर अभी भी बाकी है। इसे सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो आज दुनिया के सामने भले ही दोनों देश अलग हो, पर स्ट्रेटेजिक मामले जिसकी वॉर और इकोनॉमी में दोनों ही एक है, और शायद आने वाले टाइम में भी बचे हुए मर्जर क्लॉज को भी पूरा करके बेलारूस पूरी तरह से रशिया में इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि रशिया की ये यूनिफिकेशन स्ट्रेटजी इज वेरी एग्रेसिव। सो बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल करने के बाद बेलारूस ने बाकी के नॉन न्यूक्लियर देशों को भी ये ऑफर दे दिया कि जिसे भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए वो रशिया और बेलारूस की यूनियन ऑफ स्टेट ट्रीटी यानी उन दोनों के साथ जुड़ सकता है। प्लस ऑलरेडी वो बेलारूस के अलावा भी अलग अलग देशों के तीन मेजर फ्रंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री, इन तीनों पर काफी स्ट्रेटेजिकली एक प्रो रशिया नैरेटिव टारगेट कर रहा है, और ये पूरा प्लान काफी इफेक्टिवली आप बेलारूस के केस में एग्जीक्यूट होते हुए देख भी सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप इनका पॉलिटिकल कंट्रोल। सो बात ऐसी है कि पिछले 30 सालों से रशिया ने बेलारूस में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ऐसा करने के लिए जैसे कहा जाता है किसी भी देश के तीन पिलर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, ऑपोजिशन, न्यूज मीडिया और एनजीओस। रशिया ने इन तीनों पर अटैक करके रखा हुआ है। अब इस सब में रशिया को उनकी साइबर टेक टीम का काफी ज्यादा सपोर्ट है, और इसीलिए आईटी सेक्टर के जॉब्स आज ना सिर्फ रशिया में बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है। वैसे आप भी फ्रेंड्स आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आईटी में करियर बनाने को क्विक स्टार्ट देता है विद हाई पेइंग जॉब ऑफर एज अ डेटा एनालिस्ट, वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर। और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल्स यहां पर मौजूद है फ्रॉम कंपनीज लाइक इन्फोसिस, सीटीवी, जो आपको आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए हेल्प करेंगे। प्लस इस कोर्स में आपको हर हफ्ते 30 से भी ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से भी ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कोर्स के दौरान आपको SQL और Python भी सिखाया जाएगा। कोडिंग इन्वेडर्स के 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ आप भी इनकी तरह जीरो से हीरो बन सकते हो। इन्होंने अब तक 300+ हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000 कैंडिडेट्स को 7.5 से 15 लाख पर एनम के पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है। 100% प्लेसमेंट गारंटी है, यू हैव नथिंग टू लूज। यूज माई कूपन कोड GET27 और पावर 27% डिस्काउंट डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पर। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक।
आज रशिया ने बेलारूस में लुकाशेंको की प्रो रशियन सरकार बनाई रखी है, जिसके लिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया है, जो एंटी रशियन सेंटिमेंट्स फैलाकर लुकाशेंको की गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। और फिर उसके बाद लुकाशेंको की इमेज खराब ना हो, इसीलिए रशियन ओन्ड बेलारूसियन टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स रशिया की एक पॉजिटिव इमेज बनाने का काम करते हैं। इनफैक्ट इन मीडिया आउटलेट्स के जरिए रशिया ने अपने पपेट गवर्नमेंट कैंडिडेट लुकाशेंको को जिताने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स भी करवाए, और इसीलिए रशियन इन्फ्लुएंस की बेलारूसियन मीडिया में बात करें तो वो इतना स्ट्रांग है कि 80% से भी ज्यादा मीडिया सिर्फ रशिया का नैरेटिव ही टेलीकास्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, इसे बेलारूस में कोई तो अपोज करता ही होगा, राइट? ऑपोजिशन तो होगा, बट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस सरकार के खिलाफ या एंटी रशिया बोलती है, एंटी रशिया स्वर उसके मुंह से निकलते तो उसे सीधा बैन कर दिया जाता है, और प्रो रशिया एनजीओस को तो उल्टा हेविली फंड किया जाता है। आज बेलारूस में ऐसे 1189 एनजीओस अपने एंटी रशिया स्टैंड्स के लिए बैन किए हुए हैं, और इन सारे एक्शंस की वजह से आज बेलारूसियंस इतने डरे हुए हैं कि कोई भी लुकाशेंको और रशिया के अगेंस्ट बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। तो ये सारे स्टेप्स लेकर कर दिया रशिया ने बेलारूस का पूरा पॉलिटिक्स अपने कंट्रोल में। सेकेंड स्टेप, मिलिट्री कंट्रोल। इसके बाद रशिया का नेक्स्ट स्टेप होता है उस देश को अपने ऊपर हेविली मिलिटरली डिपेंडेंट बनाना, जैसे बेलारूस के केस में रशिया ने बेलारूस का पूरा मिलिट्री एक्सेस अपने पास ले लिया है। रशिया को अब बेलारूसियन एयर स्पेस में बिना किसी परमिशन के अपने फाइटर जेट्स को उड़ाने का डायरेक्ट एक्सेस है। वहीं रशिया को कोई मिलिट्री ऑपरेशंस अगर करना हो तो उसे बेलारूसियन बेसिस का भी लीज फ्री एक्सेस है, जो हमने बाय द वे इस रशिया यूक्रेन वॉर में भी क्लियरली देखा। इसके अलावा आज 30,000 रशियन सोल्जर्स बेलारूस में परमानेंटली डिप्लॉयड भी है। सो इस टोटल कंट्रोल से बेलारूस रशिया पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि उनके प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने लिटरली ये कह दिया है कि अगर किसी कंट्री ने हम पर अटैक किया तो हम चाहते हैं कि रशिया हमें बचाने आए। एनीवे, मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेप, इकोनॉमिक कंट्रोल। रशिया ने पॉलिटिकल और मिलिट्री डिपेंडेंसी के बाद तीसरा मेजर अटैक किया बेलारूस के इकोनॉमी को अपने साथ इंटीग्रेट करके। इससे उस कंट्री का इकोनॉमिक प्रेजेंस ही हैम्पर हो गया। 2021 में बेलारूस और रशिया ने टू नेशंस वन इकोनॉमी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत रशिया ने बेलारूस की इकोनॉमी को पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट बना दिया। तो देखो, किसी भी इकोनॉमी के लिए उसके बिजनेसेस उसका फाउंडेशन होते हैं। रशिया ने उसी फाउंडेशन को हिट किया और उसने सारे वेल्दी बेलारूसियंस को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। बेलारूसियन बिजनेस पर्सन्स के लिए रशिया ने दोनों कंट्रीज में सारे मैन्युफैक्चरिंग बैरियर्स हटाकर उन्हें फ्री ट्रेड ऑफर किया, और फिर उनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेस दिलाने के लिए रशिया ने अपने पोर्ट्स को भी बेलारूसियन बिजनेसेस के लिए ओपन कर दिया और उनके प्रॉफिट्स पर टैक्स कंसेशंस दे दिए। बट ये सबसे अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, बस बेलारूस रशिया पर इकोनॉमिकली भी काफी हद तक डिपेंडेंट हो गया। आज के तारीख में बेलारूसियन इकोनॉमी इस हद तक रशिया पर डिपेंडेंट है कि उनके अराउंड 60% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स सिर्फ रशिया को ही होते हैं। बट फ्रेंड्स, यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर बेलारूस अपनी सोवरेनिटी सरेंडर करने के लिए कैसे एग्री हो गया? वेल, बेलारूस को भी ना इस ट्रीटी की उतनी ही जरूरत थी जितनी रशिया को है। देखो, यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होने के बाद बेलारूस ने वेस्ट की तरफ अपने रिलेशंस बढ़ाने शुरू किए थे। यूएस के साथ तो उसने आजाद होते ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करके कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए, मगर वो ज्यादा दिन तक इन रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि उनके कंट्री में कुछ ही सालों में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। सिचुएशन इतनी वर्सन हो गई कि बेलारूस का मंथली इन्फ्लेशन अराउंड 50% पर पहुंच गया था। इससे लोगों के बीच लुकाशेंको का भी अप्रूवल रेटिंग कुछ येल्सिन की तरह गिरने लगा, और बस इसी को बचाने के लिए वापस बेलारूस रशिया की तरफ मुड़ गया। ऊपर से उनकी रशिया पर डिपेंडेंसी इतनी हाई थी कि बेलारूस अपने रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी चीजें सिर्फ रशिया से ही हेविली इंपोर्ट करता था, और इस वजह से यूनियन स्टेट को ज्वाइन करना ही दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन थी। अब ऐसा भी नहीं था कि बेलारूसियन लोगों की राय नहीं ली गई। इनफैक्ट इसी सब्जेक्ट पर लोगों की ओपिनियंस जानने के लिए जब रेफरेंडम कराया गया तो 78% वोट्स इसी डिसीजन के फेवर में भी आए। लेकिन यहां पर आता है कहानी का मेजर ट्विस्ट। इस सब में लुकाशेंको के सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट भी छुपे हुए थे। अब इसे थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमें दो चीजें समझनी होगी। पहला ये कि ट्रीटी के अनुसार बेलारूस और रशिया के पास इक्वल पावर्स और पैरिटी यानी कि स्टेटस था, मतलब सारे लॉज दोनों कंट्रीज के लिए इक्वल थे। और दूसरी बात, उस वक्त सबको पता था कि येल्सिन की गवर्नमेंट अब गिरने वाली है, और इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स की मदद से लुकाशेंको को अपॉर्चुनिटी थी कि अगर रशिया बेलारूस का यूनियन बनेगा तो वो अकेले उस यूनिफाइड कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब ये बहुत ही एम्बिशियस सपना था, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए लुकाशेंको रशिया के एलीट
पॉलिटिकल लीडर्स से दोस्ती भी बढ़ाने लगे थे। इनफैक्ट इसमें वो काफी सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि उन पॉलिटिकल एलीट्स में वो बड़े लेवल पर फेमस हो गए थे और सबको ऐसा लगने लगा था कि आने वाले इलेक्शंस में लुकाशेंको ही प्रेसिडेंट बनेंगे। मगर तभी एक डिसीजन से उसके सारे सपने टूट गए। हुआ यूं कि लुकाशेंको की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर येल्सिन इनसिक्योर हो गए, क्योंकि जहां पर एक तरफ लुकाशेंको की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वहीं येल्सिन की अप्रूवल रेटिंग 8% पर जाकर गिरी थी। सो रशिया की पावर को बचाने के लिए येल्सिन ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और तब के रशियन पीएम व्लादिमीर पुतिन को अपनी तरफ से एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। पोस्ट पर अपॉइंट होते ही पुतिन को ऑलरेडी पीएम होने की वजह से सारे रशियन ओलिगार्क से सपोर्ट मिलने लगा, जो लुकाशेंको के लिए एक मेजर सेटबैक साबित हुआ। प्लस ऑलरेडी बेलारूस रशिया पर इतना डिपेंडेंट था तो इसके अगेंस्ट लुकाशेंको कुछ भी नहीं कर सकता था और उन्हें रशिया की हर बात माननी पड़ी। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आपने ये सोचा कि रशिया ने इतने सारे छोटे एक्स सोवियत कंट्रीज में से सिर्फ बेलारूस को ही अपना पहला शिकार क्यों चुना? Well, इसका आंसर छुपा हुआ है बेलारूस की स्पेशल ज्योग्राफी में। देखो बात ऐसी है ना, बेलारूस को रशिया का यूरोपियन गेट कहते हैं, जो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट का काम करता है। अब बेलारूस के वेस्ट से यूरोपियन कंट्रीज और नेटो मेंबर्स पास है, साउथ में यूक्रेन और ब्लैक सी पास है और वहीं नॉर्थ में नॉर्डिक कंट्रीज पास है। इससे बेलारूस रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाता है, जहां न्यूक्लियर आर्म्स डिप्लॉय करके सारे मेजर रीजन्स रशिया के धमकी के रिडार में रह सकते हैं। ये रशिया के लिए एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों लेवल पर एडवांटेज बनता है। अगर फ्यूचर में कभी रशिया का वॉर किसी के साथ होता है, तो जैसे हमने यूक्रेन के केस में देखा, वो बेलारूस के एयर बेसिस से अपने एयरप्लेन्स अटैक के लिए भेज सकते हैं। और वहीं पर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो रशिया बेलारूस को एज अ बफर स्टेट यूज कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा है। अब बफर स्टेट से मेरा मतलब है कि रशिया पर किसी भी तरह के अटैक होने से पहले वो बेलारूस को एक वॉल की तरह रशिया के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा कर सकता है। इनफैक्ट पास्ट में भी रशिया ऑलरेडी बेलारूस को अपना वॉर टाइम पपेट बना चुका है। ये हुआ था 1995 में, जब पोलैंड के अगेंस्ट रशिया ने अटैक करने का प्लान बनाया था। बट फिलहाल समय कुछ ऐसा आया है कि रशिया भी अपने इकोनॉमी के लिए बेलारूस पर डिपेंडेंट हो गया है। वो बेलारूस को अपने ऑयल सेल कर रहा है, जिसे बेलारूस रिफाइन करके मार्केट में बेचता है। इससे दोनों कंट्रीज प्रॉफिट में है और इंटरडिपेंडेंट है, और साथ ही में रशिया पर लगे सैंक्शंस का रशिया पर इतना घातक असर नहीं पड़ रहा। एनीवे, देखो अगर सिचुएशन को ओवरऑल समझने की कोशिश करें ना, तो नेटो ने भी 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में अपने मेंबर कंट्रीज में डिप्लॉय कर रखे हैं, और कुछ इसी पैथ को अब रशिया भी सीना ठोक कर फॉलो कर रहा है, जहां उसने अपने रीजंस का जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि अगर यूएसए ऐसा कर सकता है तो हम क्यों ना करें। मतलब एक साइड का यहां पर यह कहना है कि दूसरे एंड पर यूएसए, यूरोप और ये नेटो अलायंस वाले कंट्रीज रशिया को एज पर पुश कर रहे हैं और एक तरह से ऐसे टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि जिससे कि रशिया फोर्स हो जाए। तो दूसरे साइड वाले बोल रहे हैं कि रशिया ही हमेशा एक इनिशियल एग्रेसर का रोल प्ले करता है, जिससे कि यूएस और नेटो कंट्रीज रशिया पर दबाव डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वेल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली रशिया की ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो और भी कई सारी कंट्रीज कर रही है। एशिया में भी एक ऐसी कंट्री है जिसने दूसरे कंट्री को टेक ओवर करने का प्लान बना लिया है अभी हाल ही में। अब वो कंट्री कौन है और कौन सी कंट्रीज को वो टेक ओवर बनाने का प्लान बना रही है, इसे अगर आपको जानना है, क्योंकि आगे जाके एक वॉर हो सकता है इसके वजह से, एक ग्लोबल वॉर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और उस पूरे वीडियो को देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको करंट एशिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पता चल जाए। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना, गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।